हेलो ब्रिलियंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास सिक्स मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज है ये 2.3। इसका क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं ये फिफ्थ। इसमें क्या है देखिए, एक पैटर्न दे रखा है आपको, ये 1 × 8 + 1 = 9। फिर 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2 आया, 12 × 8 + 2 = 98। मतलब जो यहाँ आया वही नंबर यहाँ आ गया और यहाँ 8 ही रह रहा है। 1, 2, 3, यानी कि अब 1, 2 के बाद एक नंबर और आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 8 जो चल रहा है, और जो 3 आया तो यहाँ 3 आ गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 9 आया, फिर 9, 8, फिर 9, 8, 7, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर चल रहे हैं। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 चार डिजिट आई है, जो यहाँ 4 आया तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ तो 8 था ही। और जो यहाँ नंबर हमें मिला है, चार नंबर 9 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में, 9, 8, 7, 6 एंड सो ऑन, इसी तरीके से ये वाला है। अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट 2 स्टेप्स इसके लिखने हैं। और आप बता सकते हैं कि ये पैटर्न कैसे वर्क करता है, ये हिंट तो फालतू का दे रखा है, मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि इसमें कोई दे ही नहीं रखा क्या चीज़ है ये, या तो इस रूप में दे दिया होता है ना, जैसे कि कुछ भी हो जाए 1। अब यहाँ पे 1, 2 है तो ये कितना हो जाता है, 11 × 1 + 1 है क्या है 2 है क्या है, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मैं ये इसको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि क्लैरिटी दे रखी होती तब की बात थी। अब हम कोई सोल्यूशन देख करके, कुंजी में से देख करके, इस हिंट के हिसाब से करें तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पैटर्न हमारे सामने जो मौजूद है हम उसको ही स्टडी करेंगे और इसी हिसाब से ही इसका आंसर लिखेंगे। तो चलिए करते हैं इसको, ये कैसे होगा, लेट अस सी, लेट अस डू। आप चाहे तो एक बार ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है, ये लिख लीजिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए मैं इसी पैटर्न में लिख रहा हूँ, 1 × 8 + 1 = 9। फिर अगला है 1, 2 × 8 + 2 = 9, 8, मतलब यहाँ 1 फिर 2, 1 फिर 2 डिजिट 1, 2। अब 1, 2, 3 लेंगे, 8 + 3 आया तो यहाँ 3, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में एक डिजिट और जुड़ जाएगा, 9, 8, 7। फिर 1, 2, 3, 4 आ गया, ठीक है, 8 + 4, 4 इधर आया, 4 इधर आ गया, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। अब 9, 8, 7 है, 9, 9, 8, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 6 आ गया। नेक्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 8 + 4 नहीं होगा 5, क्योंकि 5 आ गया यहाँ पर, 9, 8, 7, 6, 5। अब नेक्स्ट नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 + 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट 2 स्टेप्स और लिखने थे, नेक्स्ट 2 आगे के स्टेप्स और करने थे। एक स्टेप तो हमने ये कर लिया, ये रिक्वायरमेंट थी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर आप बताइए कि क्या आना चाहिए, सोचो। सोच लिया, गुड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 + 6 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 7, हमें मिलता है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ये आ गया, ओके। तो ये डिस्कस करने की बात थी, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, है ना। तो ये आपके जो ये वाला और ये वाला आंसर हो गया, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन, और ये क्या कहना चाहिए कि ये पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है वो मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी स्पेशली कहे तो बात अलग है, वैसे ऐसा नहीं कहा जाता। तो ये आपका, ये 2 आपके आंसर हो गए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। बाय।